किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी। सिटी कंपोस्ट योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मंजूरी। फास्फेट उर्वरक इकाइयां न्यूनतम उत्पादन मानदंड से मुक्त। इस वर्ष 17 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया उत्पादन की उम्मीद। फल फूल और सब्जियों की खेती पर जोर। कृषि को उद्योग से जोड़ने पर बल। आपदा से पशुधन की सुरक्षा को प्राथमिकता। और हमीरपुर बनेगा उत्तर प्रदेश का प्रथम जैविक जनपद। और अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष भी मार्च माह में असमय हो रही वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरसों और दलहनी फसलें जहां कटने के लिए तैयार खड़ी हैं, वहीं गेहूं की फसल भी पककर तैयार हो गई है। ऐसी दशा में किसान गत वर्ष हुई बेमौसम अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से रबी फसलों की हुई तबाही को याद करके चिंतित है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार एक नई योजना शुरू कर रही है, जिसका नाम है सिटी कंपोस्ट योजना। इस योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों की जगह कंपोस्ट खाद को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य नगरों को स्वच्छ बनाना और नगर के कचरे को मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कंपोस्ट के रूप में उपयोग में लाना है। इस नीति के तहत पहली बार कंपोस्ट खाद के उत्पादन पर 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता उत्पादन के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ाने के लिए प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार की इस अभिनव योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि ये योजना इसलिए भी लोकप्रिय हो सकती है क्योंकि व्यक्ति विधिवत छोटी मोटी कंपनी खोलकर सिटी कंपोस्ट का उत्पादन शुरू करके 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन अनुदान का लाभ भी उठा सकता है। उम्मीद है कि इस नई नीति का लाभ उठाने के लिए बहुत सारी सिटी कंपोस्ट इकाइयां खुलेंगी, जिससे शहर का कूड़ा कचरा भी उठाने के लिए होड़ लग जाएगी। इससे जहां शहरों की स्वच्छता बढ़ेगी, वहीं जैविक खेती को भी बढ़ावा भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने सिंगल सुपर फॉस्फेट उत्पादक उर्वरक इकाइयों को अब संपूर्ण क्षमता उपयोग यानी असीमित उत्पादन की छूट प्रदान कर दिया है, जिससे देश में फॉस्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन की होड़ बढ़ेगी और इनकी कीमतों में कमी आने जाने के कारण किसान यूरिया के बजाय फॉस्फेटिक उर्वरकों को अधिक अपनाएंगे। पोषक तत्व आधारित अनुदान योजना के तहत सब्सिडी के लिए योग्य होने वाली एसएसपी विनिर्माण इकाइयों के लिए न्यूनतम क्षमता उपयोग मानदंड तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने दे दिया है। ये मंजूरी सरकार द्वारा हाल में किए जाने वाले नीतिगत सुधारों के क्रम में दी गई है। एसएसपी एक फॉस्फेटिक बहुपोषक उर्वरक है, जिसमें 16% फॉस्फेट, 11% सल्फर, 16% कैल्शियम तथा कुछ अन्य अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व सन्निहित हैं। अपनी सरल उत्पादन तकनीक के कारण ये उपलब्ध उर्वरकों में सबसे सस्ता रासायनिक उर्वरक है। ये तिलहनों, दालों, बागवानी, सब्जियों, ईख आदि जैसी फसलों के लिए अधिक अनुकूल है। वर्ष 2009 से एसएसपी इकाइयों के लिए सब्सिडी पाने के लिए अपनी स्वीकृति उत्पादन क्षमता न्यूनतम 50% का उपयोग करना या प्रतिवर्ष 40,000 मैट्रिक टन का उत्पादन करना, इसमें से जो भी कम हो अनिवार्य बना दिया गया है। प्रारंभ में कुछ क्षमता संवर्धन किया गया था, लेकिन पिछले 4 वर्षों के दौरान देश के एसएसपी के उत्पादन एवं उपभोग की स्थिति कमोबेश स्थिर ही रही है। न्यूनतम क्षमता उपयोग मानदंड को हटाने के लिए ये नई नीति एसएसपी इकाइयों को भी अन्य उर्वरकों के समान ही बना दिया गया और वे कृषि उद्देश्यों के लिए उत्पादित एवं विक्रय की मात्रा के बावजूद सब्सिडी पाने के लिए योग्य बन जाएंगे। नई यूरिया नीति 2015 एवं यूरिया उत्पादन के लिए गैस पुलिंग नीति तथा ऊर्जा कुशलता को बढ़ाने के लिए गैस मूल्य निर्धारण तंत्र को युक्तिसंगत बनाने पर जोर दिए जाने के कारण इस वर्ष भी अभी तक की अवधि में सर्वाधिक यूरिया का उत्पादन हुआ है। ऐसी उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 17 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त उत्पादकता बढ़ाने तथा गैर कृषि उपयोग को रोकने के लिए 100% यूरिया को अब नियम युक्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कृषि वैज्ञानिकों से प्रदेश में फूल सब्जियों और फलों की खेती पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश कृषि पर निर्भर है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में विशेष योगदान भी है। देश में कृषि भूमि सीमित है तथा जनसंख्या 3 गुना बढ़ी है, फिर भी भारत गेहूं के निर्यात की स्थिति में है। जमीन की गुणवत्ता कम हुई है, वर्षा कम हो रही है, ऐसे में वैज्ञानिकों के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिकों को किसानों का मार्गदर्शन करना होगा। पंजाब हरियाणा में गेहूं का उत्पादन अधिक है जबकि उत्तर प्रदेश में कम, ऐसा क्यों?
ये भी तो उर्वर भूमि एवं जल संसाधन पर्याप्त है। गन्ना उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र की प्रमुख फसल है। महाराष्ट्र में चीनी की रिकवरी दर 13% है, परंतु उत्तर प्रदेश में मात्र 10% है। इसके लिए वैज्ञानिकों को कार्य करना होगा। महाराष्ट्र के अल्फांसो आम का निर्यात दुनिया में होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में दशहरी एवं चौसा का निर्यात बहुत कम होता है। इसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंवला केवल प्रतापगढ़ में होता है, अन्य जगहों पर भी आंवले का उत्पादन के लिए शोध किया जाना चाहिए। दूध मत्स्य के उत्पादन की प्रदेश में बहुत संभावना है। इसके लिए वैज्ञानिकों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। प्रदेश को फूल सब्जी एवं फलों की खेती पर भी विशेष ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब किसान अपने खेत पर सिर्फ एक ही लड़के को किसान बनाना चाहता है, अन्य बच्चों को वो नौकरी में भेजना चाहता है। अगर उद्योग नहीं लगेंगे तो किसान के बेटे रोजगार के लिए कहां जाएंगे। किसान परिवार की भलाई के लिए उद्योग लगाना है। सेवा क्षेत्र में ढेर सारी संभावना है रोजगार की। किसान के बेटे को रोजगार मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज खेती को तीन हिस्सों में बांटने की आवश्यकता है। एक तिहाई परंपरागत खेती के लिए, एक तिहाई पर वृक्ष की खेती और तीसरे हिस्से पर पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन जैसे व्यावसायिक कार्य होने चाहिए। किसान आराम से शहद का कार्य कर सकते हैं और उसे बाजार में बेचकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार का खेती के साथ साथ पशुधन संवर्धन पर सबसे ज्यादा जोर है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कृषि अर्थव्यवस्था में 30% हिस्सेदारी रखने वाले डेयरी व पशुधन का भी प्राकृतिक आपदाओं के समय ध्यान रखने की सख्त जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि देश में आने वाली बाढ़ में सालाना 1,00,000 गो पशु बह जाते हैं। आपदाओं के दौरान मवेशियों को नजरअंदाज किया जाता है। इस मानसिकता में बदलाव की सख्त जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक प्राकृतिक आपदा कार्यबल आपदा के समय मवेशियों को बचाने और उन्हें राहत देने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन इसके लिए देश के प्रमुख पशु चिकित्सा व अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों से भी समन्वय करने की कहा गया है। और आइए अब नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद में 1,635 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,650 रुपए, उन्नाव में 1,630 रुपए और लखनऊ में 1,700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्रदेश के विभिन्न मंडियों में चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद में 2,135 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 2,180 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ में 2,160 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद में 750 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 590 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 600 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ में 800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 1,150 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 970 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 1,100 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बैंगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 875 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 440 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 850 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ में 900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में हरी मिर्च का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 750 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ में 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 500 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 800 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लौकी का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद में 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 750 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1,375 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ में 1,300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लहसुन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 4,400 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 3,600 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 5,500 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ में 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। हरी मटर फैजाबाद में 3,400 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 950 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 2,250 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ में 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में केले का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद में 1,750 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 850 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1,675 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ में 1,700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। सेब फैजाबाद में सेब 6,500 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 5,500 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ में 6,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा।
प्रदेश की विभिन्न मंडियों में पपीता का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 1800 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 750 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1400 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ में 1450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाए ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, पहचान बागवानी मिशन में, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अमित गुप्ता कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, नौकरी हो या कृषिकार हो, समाज के हर भूमिका में वो अपने आप को ऊपर साबित करती चली जा रही हैं। लेकिन कुछ तबका ऐसा है जो इन तीनों में शामिल नहीं है, तो उन महिलाओं के लिए स्वरोजगार विकसित किए जा रहे हैं और ये स्वरोजगार कैसे विकसित किए जा रहे हैं, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर वीनिका सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ से। डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर, स्वरोजगार कैसे विकसित हो रहे हैं और कैसे विकसित करें, जी तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, अभी आप ही ने बताया कि जो महिलाएं हैं वो चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का हो, चाहे उद्योग का हो, हमारी महिलाएं हमेशा आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जैसे कि और भी क्षेत्र हैं, जैसे पार्लर है, पुष्प सज्जा है, सिलाई कढ़ाई बुनाई है, उसमें भी महिलाएं हमारी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जो प्रसंस्करण की बात करें अगर हम, तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा आगे हैं। और ऐसा ये क्षेत्र ऐसा है कि इसमें अगर महिला पढ़ी लिखी भी नहीं है, अगर उसको प्रशिक्षण दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दिलवाई जाए, तो उसके माध्यम से वो बहुत सारी चीजें कर सकती है। घर पे ही अचार, जैम, जेली, पापड़, बड़ी, वो सब बना करके, प्रसंस्करण करके जो है वो आय अर्जन कर सकती है। आय अर्जन कर सकती है, जी जी। डॉक्टर, आपने बताया कि प्रशिक्षण दिया जाए, तो प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कहाँ कहाँ से है और कैसे उसको लिया जा सकता है? प्रशिक्षण जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर महिलाओं को दिया जाता है और ये रोजगार परक भी होता है, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का। और इसके अलावा जो है अगर महिलाएं चाहती हैं वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर नहीं आ सकती हैं, तो उनके लिए हम गांव जाकर के प्रशिक्षण को जो है करते हैं। जी जी, हम प्रशिक्षण देते हैं उनको गांव जाकर भी, और वो वहां पर भी ले सकती हैं, वहां पर भी हमसे सीख सकती हैं। उसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय हैं जो उनके निकटवर्ती कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहां से भी वो लोग ट्रेनिंग ले सकती हैं, प्रशिक्षण ले सकती हैं। वहां पर भी जो है 7 दिन के 10 दिन के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। जी दर्शकों, आपने सुना विनिका जी ने क्या कहा कि प्रशिक्षण केवीके में कराए जाते हैं, अगर कुछ महिलाएं वहां तक नहीं आ पाती हैं तो प्रशिक्षण पहुंचता है आपके पास, आपके द्वार तक व्यवसाय आता है, आपको प्रशिक्षित किया जाता है और आपको स्वावलंबी बनाया जाता है। तो कोशिश करिए, कृषि विज्ञान केंद्र तक जाइए और अपना आर्थिक पहलू मजबूत करिए।
डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये चार पांच चीजें हैं जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती हैं। जी जी। और बात खास तौर पर प्रसंस्करण की। जी जी। तो प्रसंस्करण कैसे कर सकते हैं, किसका किसका किया जा सकता है? देखिए, प्रसंस्करण हमेशा उन फल सब्जियों का करना चाहिए जो मौसम में उपलब्ध हो। जी। ये नहीं कि आज टमाटर जो है 60 रुपए किलो है तो हम उसका प्रशिक्षण मतलब उसका प्रसंस्करण कर रहे हैं। जब टमाटर हमारी मंडी में बहुत सस्ता हो, किसान है मतलब उसका नहीं बिक रहा है और वो तब उसका अगर वो प्रसंस्करण कर लेता है, उससे कुछ मूल्यवर्धित उत्पाद बना लेता है, जैसे उसका टमाटर का चटनी हो गई, सॉस हो गई, उसकी प्यूरी हो गई, तो वो जब मौसम नहीं है तब भी उसका प्रयोग कर सकता है। उसके अलावा वो उनको बेच करके आय भी अर्जित कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, किसका इसका प्रसंस्करण किया सकता है? आपने टमाटर की बात की, क्या इस क्या जैम जेली बना सकते हैं या आमला का प्रयोग या आम का प्रयोग, आखिर किनका किनका प्रसंस्करण हो सकता है? जब भी कोई भी चीज मौसम है, जैसे इस समय आंवला बहुत उपलब्ध है और सस्ता भी 10-12 रुपए किलो, इवन अगर आप मंडी से ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो आपको 5-6 रुपए किलो तक भी मिल जाता है। तो अगर इस समय आप आंवले का प्रसंस्करण करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जी, आंवले का प्रसंस्करण अच्छा हो सकता है इस समय, मतलब जब मतलब ये जो समय चल रहा है। जी जी बिल्कुल, जी, 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 जी। ये सस्ता है इसलिए प्रसंस्करण अच्छा हो सकता है क्योंकि इस समय कम भाव में किसान का आर्थिक लाभ होगा नहीं, लेकिन आगे चल के प्रसंस्करण के बाद अच्छा लाभ हो सकता है। जी, जी, तो डॉक्टर, प्रसंस्करण कैसे किया जाए इस आंवले का? देखिए, आंवले को हम कई तरह से प्रसंस्कृत कर सकते हैं। पहले तो अगर जैसे अगर हमारा कोई आंवला दागी हो गया है, अगर हम दागी की बात करें, जो गिर गया है पेड़ से, दागी हो गया है, तो उसको तो आप वैसे ही सुखा दीजिए। जी। और आंवला सुखाने के बाद जो है बाजार में उसकी कीमत अच्छी मिल जाती है, सूखे हुए आंवले का पाउडर बना सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है त्रिफला जो बनता है वो उसमें हर बहेड़ा और आंवला तीनों का बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, प्रयोग होता है, तो उसको आप मतलब सुखाकर भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर हमारा आंवला ताजा है, एकदम पका हुआ बढ़िया ताजा आंवला है, तो उसका अगर मुरब्बा बना लेते हैं तो वो सेहत के लिए भी अच्छा है और वो महंगा भी बिकता है और मतलब उसको काफी अच्छा कर सकते हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये मुरब्बा बनाने का कुछ तरीका बताएंगे आप? जी, देखिए, अगर मुरब्बा बनाने के लिए, वैसे आंवला तो हमको अक्टूबर नवंबर से मिलना प्रारंभ हो जाता है जो कि मार्च तक मिलता है। जी। लेकिन आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए पीले पके हुए फल, खूब बढ़िया ताजे फल, आप उसको हाथ से अगर किसान भाई तोड़ पाए तो वो जो है ले लें, और 1 किलो फल उसमें 1.5 किलो चीनी जी, और जो है साइट्रिक एसिड 5 ग्राम के करीब, और फिटकरी या चूना, वैसे अगर फिटकरी ना लें, ना इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसका विटामिन सी जो है उससे थोड़ा कम हो जाता है। जो खाने वाला चूना है उसका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं, तो 3-4% के हिसाब से उसको करें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें आंवले लाने हैं ताजे, बिल्कुल है, और स्टील के ही कांटे, मतलब उनको साफ धो लीजिए, साफ धो लीजिए, और स्टील के ही बर्तन इस्तेमाल करने, इवन जो कांटा भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी गुदाई करने के लिए वो भी स्टील का ही होना चाहिए। तो स्टील के कांटे से गुदाई इस प्रकार करनी है कि वो गुठली तक छेद हो जाए उसका, बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है उसको अच्छे से गोद लिया है, फिर हमने जो है एक दूसरे भगोने में जब हम गोदते जाते हैं एक एक फल को, तो उसमें हमने चूने का घोल बनाकर रखना है 3-4% के हिसाब से, और उसमें वो गुदा हुआ फल तुरंत तुरंत डालते जाना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो फल है वो भूरा भूरा होने लगेगा और उससे जो है रंग खराब हो जाएगा और उसके फिर आगे जो बाजारी अच्छा नहीं मिलेगा उसका। जब हमारा आंवला अच्छे से गूद गया उसके बाद हम उसको 24 घंटे के लिए चूने के पानी में छोड़ दीजिए, और जब 24 घंटे के लिए छोड़ दिया उसके बाद अगले दिन जब उसको निकालेंगे तो खूब 3-4 बार उसको खूब अच्छे पानी से, खूब साफ पानी से, खूब अच्छे से धो लीजिए उसको। उसके बाद एक बड़े भगोने में पानी उबालने रखिए। जब पानी उबलने लग जाए जी, उस समय जो हमारा गुदाई किया हुआ आंवला था वो उसमें डाल देना है और 5-7 मिनट के लिए, और ढक देना है जी, भगोने को ढक देना है, ढक जाएगा, और उसके बाद उसको एक एक करके आंवला निकाल लीजिए। मतलब ये ध्यान रखना कि हमारा आंवला टूटे नहीं, इतना नहीं उसको उबालना है कि वो टूट जाए, बिखर जाए, बंधा रहे आंवला हमारा पूरा, और उसको निकाल लीजिए। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 1 किलो फल थे हमारे, तो 1.5 किलो चीनी, तो जो है पहले क्या करेंगे, एक तीसरा भगोना लेंगे, उसमें पहले हमने चीनी बिछाएंगे, फिर आंवले उसमें रखेंगे, फिर उसके ऊपर चीनी, फिर आंवले, फिर चीनी, इससे पूरी लास्ट में जो है बची हुई चीनी उसमें डाल करके उसको ढक करके 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर अगले दिन उसमें से आंवले निकाल लेने हैं, और जो साइट्रिक एसिड मैंने बताया था 5 ग्राम के करीब, तो मतलब 5 ग्राम एक चम्मच हम खाने वाला जो चम्मच होता है इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो उससे डाल करके अब उस चीनी, वो जो आंवले हैं वो रात में पानी छोड़ देंगे, तो चीनी लगभग घुल जाती है, तो जो बची हुई चीनी है पानी हमको अलग से नहीं डालना है उसमें, और जो बची हुई चीनी है वो उसी में से चाशनी बनानी है, और साइट्रिक एसिड डाल दीजिए। साइट्रिक एसिड डालने का ये फायदा होता है कि जो चीनी है ना बाद में जमेगी नहीं, दाने नहीं बनेंगे उसके, और चीनी साफ हो जाएगी, जो उसकी गंदगी है वो साफ हो जाएगी,
और उसके बाद जब चाशनी हमारी बन जाती है तो फिर आंवले पुनः उसमें डाल के 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। फिर अगले दिन फिर जो है आंवले फिर वापस निकालिए, फिर चाशनी को गाढ़ा करिए और फिर उसके बाद जो है आंवले पुनः उसमें डाल दीजिए। तीन दिन तक ये प्रक्रिया आपको करनी है। तीसरे दिन चाशनी को हमको इतना पकाना है कि वो एक तार की चाशनी हो जाए, मतलब चीनी की जो मात्रा है वो 70-72% रह जाए, उतनी देर तक हमको जो है उसको चाशनी को उबालना है। फिर हमें फल वापस पुनः उसमें डाल देने हैं और उसको ढक देना है। जब वो ठंडा हो जाए तब जो है एक सूखा साफ जो है मर्तबा ले लें, या वैसे ना कोई भी अचार जैम जेली है वो हमेशा कांच में ही रखना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि कांच में रखें हम उसको और उसमें उसको रख दीजिए। और जो है ये ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा मुरब्बा है, जो फल है हमारे, वो चाशनी से पूरे ऊपर तक डूबे रहें। जी, तो इस तरह से चाशनी से ऊपर तक डूबे रहें। ऐसा आवश्यक क्यों है? देखिए, अगर हमारे फल ऊपर रह जाएंगे और चाशनी नीचे रहेगी तो वो फलों में फफूंद लग जाएगी, हमारा मुरब्बा खराब हो जाएगा जी, है ना। और जो जहां पर हम रखें, आमतौर पर महिलाएं क्या करती हैं कि मतलब बच्चों से डर के मारे या किसी के भी डर के मारे जो हमारा मर्तबान है जिसमें उन्होंने अचार जैम जेली या मुरब्बा कुछ भी रखा है उसे कोने में घुसा देती हैं कि मेरा बच्चा ना छू ले, कहीं टूट ना जाए, कहीं उसमें कोई गंदा हाथ ना डाल दे। और आमतौर पर कोने में ही नमी होती है, मतलब नमी से दूर, नमी से उसको दूर हाँ, करके और फिर हमारा अचार जो भी हम बना रहे हैं मुरब्बा वगैरह वो खराब होता है। तो मेरा कहना है कि वो उसको ऐसी जगह पर रखना है जो सूखी हो, साफ हो और हवादार हो जी, और उसमें कोई भी तरह का हाथ नहीं डालना है आपको, और इवन गीला चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपको निकालना है तब एक साफ सूखा चम्मच ले लीजिए, उससे आप अलग कटोरी में निकाल लीजिए और तब उसको आप इस्तेमाल करिए, तब इस्तेमाल करें। जी जी डॉक्टर साहब, क्या बात है, आप प्रक्रियाएं थोड़ी सी लंबी हैं लेकिन बहुत कुछ टेढ़ी प्रक्रियाएं नहीं है और घर की महिलाएं तो ये आराम से कर ही सकती हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आपने प्रसंस्करण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप अपना खेत में जो उत्पादन लेते हैं आप तो बिल्कुल मेहनत करके जज्बे के साथ में अच्छा उत्पादन लेते हैं, लेकिन कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उसका बाजार भाव इतना अच्छा नहीं होता कि आपका घर खुश रह सके, तो आप प्रसंस्करण की प्रक्रिया अपना करके भविष्य में अच्छा लाभ ले सकते हैं। प्रसंस्करण करिए, लाभ अच्छा लीजिए। नमस्कार।